Namaskar friends, in this video you will learn about the subject disaster management. Unit number 2, types, trends, causes, consequences and control of disaster. This is the part 1 of unit number 2. Now let us start with the section number 1, classification of disasters. A common way to classify hazards is by category. These disasters are also known as the hazards. The first type of disaster is known as geological disasters, which includes earthquakes, landslides, tsunami, and mining. The second type of disaster is known as hydrometeorological disasters, which covers floods, cyclones, lightning, thunderstorm, hailstorm, avalanches, droughts, cold and heat waves. The third type of disaster is known as biological disasters, which includes epidemics, pest attack and forest fire. The fourth type of disaster is known as technological disasters, which include chemical, industrial, radiological and nuclear. The fifth type of disaster is known as man-made disasters, which includes building collapse, rural and urban fire, road and rail accidents. These man-made disasters are not considered as natural disasters because its causes is the human activities. Now let us move towards the section number 2, geological disasters. Let us try to understand the various phenomena covered under these geological disasters. The first is earthquake. This earthquake is classified under the geological disasters. अब हम सब में से लगभग सबको पता है कि earthquake क्या है, उसके reason क्या है, मतलब causes क्या है, उसकी effects कौन कौन सी है और earthquake जब आए तो हमें क्या करना चाहिए, that is mitigation. Because हम में से ज़्यादातर लोगों ने earthquake को feel किया हुआ है. Now let us see some depth. Earthquakes are the deadliest of all natural disasters. कुदरत में जितने भी disaster होते हैं उसमें से ये earthquake है वो ज़्यादा deadliest है. Most deaths are caused by the collapsing buildings or fires. Earthquake की जो effect रहती है उसमें ज़्यादातर जो death होती है उसके reasons ये होते हैं कि building collapse हो जाए या फिर तो fire हो जाए. Now the causes of this earthquake. Earthquakes occur within the earth's crust along faults that suddenly release large amount of energy that have built up over long periods of time. ये अर्थक्वेक मतलब एक मिनट में पूरा फिनोमिनन हो गई ऐसा नहीं है. अर्थक्वेक जिस वजह से आता है वो रीज़न जो बनते हैं उसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है. हाँ, अर्थक्वेक का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो बहुत कम रहता है, लेकिन उसके पीछे के जो रीज़न से उसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाता है. द सेकिंग ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाई सीजमिक वेव्स. द अर्थ क्रस्ट नियर टेक्टोनिक प्लेट एजिस आर फोर्स्ड टू बेंड, कंप्रेस एंड स्ट्रेच ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस विद इन द अर्थ विच कॉज अर्थक्वेक्स. द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस रेस्ट ऑन टॉप ऑफ द जायंट स्लैब्स कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स विच मेक अप अर्थ्स आउटर क्रस्ट. दीज प्लेट्स फ्लोट लाइक रैप्स ऑन द हॉट सेमी लिक्विड मेंटल बिलो द क्रस्ट. हम सब ये भी जानते हैं कि अपने इंडियन ओशन और ये जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है वो दोनों अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स हैं. तो और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स रहती है वो जो अर्थ के अंदर डीप में जो मैग्मा है जिसे हम लावा बोलते हैं वो सेमी लिक्विड जैसा रहता है उसके ऊपर ये टेक्टोनिक प्लेट्स रहती है. तो जब भी कोई मैग्मा में एक्टिविटी होती है
तो उसका प्रेशर आता है टेक्टोनिक प्लेट्स पे, तो ड्यू टू दैट प्रेशर ये टेक्टोनिक प्लेट से उसके थोड़ी मूवमेंट हो जाती है, तो उस रीजन से अर्थक्वेक होता है। मोस्ट अर्थक्वेक्स बिगिन डीप अंडरग्राउंड एट ए पॉइंट कॉल्ड द फोकस। एज द रॉक्स सेटर एट द फोकस, सेक वेव्स कॉल्ड सिस्मिक वेव्स रेडिएट आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शंस। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड। इफ द मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड अबोव, देन इट क्लासिफाई एज ग्रेट अर्थक्वेक। इफ मैग्नीट्यूड इज लेस देन 8 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, देन इट कंसिडर एज मेजर और लार्ज अर्थक्वेक। इफ द मैग्नीट्यूड इज लेस देन 7 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, देन इट कंसिडर एज मॉडरेट अर्थक्वेक। इफ मैग्नीट्यूड इज लेस देन 5 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, देन इट कंसिडर एज स्मॉल अर्थक्वेक। इफ मैग्नीट्यूड इज लेस देन 3 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देन इट कंसिडर एज माइक्रो अर्थक्वेक। एंड इफ मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1, देन इट कंसिडर एज अल्ट्रा माइक्रो अर्थक्वेक। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक बेस्ड ऑन डिस्टेंस, दैट इज द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। इफ द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक इज बियॉन्ड द 1000 किलोमीटर डिस्टेंस, देन इट कंसिडर एज टेलीसिस्मिक अर्थक्वेक। इफ द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक इज लेस देन 1000 किलोमीटर बट ग्रेटर देन 500 किलोमीटर, देन इट कंसिडर एज रीजनल अर्थक्वेक। इफ द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक इज लेस देन 500 किलोमीटर, देन इट इज नॉन एज लोकल अर्थक्वेक। नाउ द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक बेस्ड ऑन डिस्टेंस। सो बेस्ड ऑन डिस्टेंस अगेन द फर्स्ट टाइप इज टेक्टोनिक अर्थक्वेक। यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर ऑल्सो। द सेकेंड टाइप इज वॉल्केनिक अर्थक्वेक। थर्ड टाइप इज कोलैप्स अर्थक्वेक। फोर्थ टाइप इज एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। नाउ द नेचर ऑफ अर्थक्वेक्स। देर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ अर्थक्वेक्स। द फर्स्ट वन इज फोर शॉक्स, सेकेंड इज मेन शॉक, थर्ड इज आफ्टर शॉक्स, फोर्थ इज अर्थक्वेक स्वॉर्म, एंड फिफ्थ इज नॉर्मल सिस्मिक एक्टिविटी। यू कैन सी फ्रॉम दिस राइट हैंड साइड डायग्राम ऑल्सो। ये फोर शॉक्स क्या होता है? हमें पता है कि जब अर्थक्वेक का मेन हाई मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी वाला जो मेन शॉक रहता है उसके पहला कुछ मोमेंट पहले एक लो मैग्नीट्यूड का छोटे छोटे शॉक्स रहते हैं बिफोर द मेन शॉक, उसको कहते हैं फोर शॉक्स। देन एक हायर मैग्नीट्यूड का हायर इंटेंसिटी वाला कुछ टाइम के लिए जो शॉक रहता है फॉर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और मल्टीपल सेकंड्स, उसको बोलते हैं मेन शॉक। उसका टाइम पीरियड कंपेयर टू फोर शॉक कम रहता है टोटल टाइम पीरियड, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है। मेन शॉक आ जाने के बाद होता है आफ्टर शॉक्स। ये आफ्टर शॉक्स होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, मेन शॉक एक ही रहता है, लेकिन जो आफ्टर शॉक्स रहते हैं वो मल्टीपल्स रहते हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी टाइम वो बहुत कम रहता है। तो फोर शॉक, मेन शॉक एंड आफ्टर शॉक, ये तीन ज़्यादातर हम फील करते हैं। ये अर्थक्वेक स्वॉर्म और जो नॉर्मल सिस्मिक एक्टिविटी है वो ज़्यादातर हम फील नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ये सिस्मिक एक्टिविटी वगैरह है वो ज़्यादातर जो मैग्मा है तो उसमें एक्टिविटी रहती है। देन अर्थक्वेक मेजरमेंट। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। साइंटिस्ट मेजर एंड रिकॉर्ड अर्थक्वेक्स यूजिंग डिवाइसेस कॉल्ड सिस्मोमीटर्स। द साइज ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड अकॉर्डिंग टू इट्स मैग्नीट्यूड और इट्स इफेक्ट।
There are number of ways to measure the magnitude of an earthquake. The first widely used method is the Richter scale. This Richter scale was developed by Charles Richter in 1934. It used a formula based on amplitude of the largest wave recorded on a specific type of seismometer and the distance between the earthquake and the seismometer. Scientists measure the strength of earthquakes using machines known as seismographs. Richter scale measures total amount of energy released by an earthquake, which is independent of intensity. Amplitude of the largest wave produced by an event is corrected for distance and assigned a value on an open-ended logarithmic scale. Then earthquake magnitude scale. Friends, see this table. The left-hand side first column represents the various magnitude. The second column from left represents earthquake effects, and third column from the left represents estimated number in each year. So if magnitude is 2.5 or less, then its effect is usually not felt but can be recorded by seismograph, and the estimated number is almost 9 lakh per year. Again, magnitude is 2.5 to 5.4, then its effect often felt but only causes minor damage. And the total estimated number is almost 30,000 each year. Magnitude is 5.5 to 6, then its effect is slight damage to the buildings and other structures. And that estimated number is almost 500 each year. If magnitude 6.1 to 6.9, the effect is it may cause a lot of damage in very populated area, and estimated number is 100 each year. Then magnitude 7 to 7.9, the effect is major earthquake and serious damage. The estimated number is almost 20 each year. And magnitude 8 or greater, then effect of earthquake is great earthquake and can totally destroy the communities near the epicenter. And it is estimated once every 5 to 10 years. The earthquake magnitude classes. See this table. First column represents class, and second column represents magnitude. The class of great earthquake having magnitude 8 or more, then major earthquake 7 to 7.9, strong earthquake 6 to 6.9, moderate earthquake 5 to 5.9, light earthquake 4 to 4.9, and minor earthquake has the magnitude 3 to 3.9. Intensity. Earthquake measurement may two things important. One is intensity and second one is magnitude. So intensity, the severity of earthquake shaking is assessed using a descriptive scale, the modified Mercalli intensity scale. It measures damage to man-made structures at certain location. Magnitude, the Richter magnitude scale measures the amount of seismic energy released by an earthquake. Then consequences of earthquake. Economic activities like agriculture, industry, trade, and transport are severely affected. Water pipes, sewers are disrupted. Communications such as telephone wires are damaged. Chances of fire, short circuit. Chances of floods. Develop cracks in dams. Damage to infrastructure like roads, electric poles, telephone lines, etc. Landslides, shaking, and ground rupture. Fires, soil liquefaction. Tsunami floods in ocean. The next is prevention and protection from earthquake. If you are in a house, matlab ki jab earthquake aata hai aur aap किसी घर के अंदर हो, देन डोंट यूज लिफ्ट,
Be prepared to move with your family. If you are in school or office, then don't run for an exit. Take cover under a desk or table. Move away from window glass. Do not go near electric point and cable. If you are outside, then avoid high buildings, walls, power lines, and other objects that could fall and create block. Don't run through streets. If possible, move on to an open area away from hazard, including trees. If you are in vehicle, then stop in a safe open place. Remain inside vehicle. Close window, doors and vents. Keep calm. Switch on the transistor radio and obey the instructions. Keep away from beaches and low bank of river. Turn off the water, gas and electricity. Do not smoke. Do not light a match or do not use a cigarette lighter. So this is all about the earthquakes. Now next, move towards the next topic, landslide. आप जो राइट हैंड साइड में एक फिगर देख रहे हो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि लैंडस्लाइड क्या होता है. नॉर्मली ये लैंडस्लाइड है वो हिली एरिया में ज़्यादा देखने को मिलते हैं. अ लैंडस्लाइड इज एन कैटास्ट्रोफिक इवेंट कॉजिंग सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ एंड मनी. इट इज़ ए ग्रेविटी स्लोप फेल्योर विच आर ट्रिगर्ड बाय अर्थक्वेक, ग्राउंड शेकिंग और एक्सेस प्रिसिपिटेशन. It is a downward and outward movement of slope forming materials composed of rocks, soils, artificial fills or combination of all these materials along surfaces of separation by falling, sliding and flowing either slowly or quickly from one place to another. The factors causing landslides: erosion, precipitation, vegetation, soil, earthquakes, volcanic eruptions, human activities such as deforestation, vibrations from machinery or blasting. Then classification of landslides. Classification with respect to the depth of slide. The table gives the classification of landslides. The first left-hand side column represents a type. The surface slide having the depth less than 1.5 meter maximum. The shallow slide having the depth from 1.5 to 5 meter. Deep slide having the depth from 5 to 20 meter. And very deep slide having the depth greater than 20 meter. Then types of landslides. The first type of landslide is falls. The abrupt movements of materials that become detached from steep slopes or cliffs, moving by free fall, bouncing and rolling. The next type is flows. Many types of mass movement such as creep, debris flow, debris avalanche and mud flow. This is covered under the flows. Then third type is creep. Slow, steady, downslope movement of soil or rock, tilted poles or fences considered under the creep. The fourth type is debris flow. The rapid mass movement in which loose soils, rocks and organic matter combined with entrained air and water covered under debris flow. The next type is debris avalanche, which covers a variety of very rapid to extremely rapid debris flow. Next is mud flow, which includes rapidly flowing mass of wet materials that contains at least 50% sand, silt and clay sized particles. The next type is lateral spreads, which covers often occur on very gentle slopes
and result in nearly horizontal movement of earth materials. Next is prevention of landslides. ये landslides को prevent करने के लिए क्या करना चाहिए? First is landslide restraint works. उसमें first है pile works. You can see from this figure also. Second है large diameter cast in place pile works. Third है anchor works. And fourth है retaining walls. ये सब जो रिस्ट्रेंट वर्क्स है वो आपको हिली एरिया में देखने को मिलेगा. ये रिटेनिंग वॉल्स है या फिर एंकर वर्क्स है, ये कभी कभी जो नॉन मेजर हिली एरियाज रहता है, जैसे कि कोई मैदानी प्रदेश है लेकिन वहाँ पर कोई छोटे मोटे हिल्स है, तो वहाँ पर भी अगर वहाँ पास में से कोई रास्ता निकल रहा है, कोई नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे है, तो वहाँ पर भी ये आपको देखने को मिलेगा. गुजरात में देखें तो राजकोट से अहमदाबाद हाईवे में जो राजकोट टू चोटीला के बीच में पहाड़ तोड़ के एक रास्ता बनाया है, उस हाईवे के बीच में जहाँ पर ये हिल काट के बनाया है, तो वहाँ पर ये एंकर वर्क्स और रिटेनिंग वॉल्स देखने को मिलते हैं. ज़्यादातर ये सब नॉर्थ इंडिया में हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, कश्मीर है, तो ये सब में ये रिस्ट्रेंट वर्क्स है वो ज़्यादातर देखने को मिलेंगे. देन नेक्स्ट है सुनामी. अब ये सुनामी मोस्टली जो सी शोर है, दरिया किनारा है, वहाँ पर ही ज़्यादा देखने को मिलता है. तो समंदर किनारे पे रहने वाले लोगों को ये फील ज़्यादा होता है कंपेयर टू मैदानी इलाके से. सुनामी इज जापानीज वर्ड एंड मीन्स हार्बर वेव. Tsunami are water waves or seismic sea waves caused by large-scale sudden movement of the sea floor. Tsunami can cause serious damage to thousands of kilometers from the causative faults. Tsunami travel at incredible speeds as much as 900 km per hour, and the distance between wave crest can be as much as 500 km. As the waves approach shallow water, a tsunami's speed decreases and the energy is transformed into wave heights, sometimes reaching as high as 25 meter. जैसे जैसे ये सुनामी समंदर के किनारे की ओर आती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, लेकिन उसकी जो एनर्जी रहती है वो ये सुनामी के वेव्स की हाइट में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है. तो कभी कभी ये सुनामी के वेव्स रहते हैं, उसकी हाइट है वो 25 मीटर तक हो जाती है. देन प्लान्स फॉर सुनामी. अगर सुनामी आती है तो क्या करना चाहिए? डेवलप अ फैमिली डिजास्टर प्लान. लर्न अबाउट सुनामी रिस्क इन योर कम्युनिटी. इफ यू आर विजिटिंग एन एरिया एट रिस्क फ्रॉम सुनामीज, देन चेक विद द होटल, मोटल और कैंप ग्राउंड ऑपरेटर्स फॉर सुनामी इवैक्यूएशन इंफॉर्मेशन. Plan an evacuation route from your home, school, workplace or any other place you will be where tsunami is present a risk. Use weather radio and alert for local weather watches and warnings. Now warning systems for a tsunami. This is the technological system. You can see from right hand side figure also. This is known as DART mooring system, D-A-R-T, DART mooring system. As soon as an earthquake of magnitude greater than 6.5 is located in the sea, then the alarm starts. ये right hand side diagram में आप देख सकते हैं कि एक इसमें alarm भी रहता है. जैसे भी इस समंदर में अगर earthquake होता है in sea, और वो भी 6.5 के से ज़्यादा magnitude वाला, then alarm will start. Using computer simulations and maps like the one in the following slide, scientists forecast the time of arrival in different locations. तो ये जो alarms वगैरह data है उसको use करके उसका एक simulation होता है software में, और उसके जरिए एक map तैयार होता है. तो वो map जो तैयार होता है उससे ये scientists है वो सब predict करते हैं कि
कौन से एरिया पे, कौन से सी शोर पे, कितने टाइम में ये सुनामी वहां पर पहुंचेगा। द यूज ऑफ बोय एंड टाइट गेजेस हेल्प टू वेरीफाई द इफेक्टिव प्रेजेंस ऑफ ए सुनामी देन द अलार्म इज गिवन। वंस दैट द अलार्म इज गिवन इट इज नेसेसरी दैट द लोकल कम्युनिटीज हैव इमरजेंसी प्लान्स दैट दे रिसीव द मैसेजेस एंड दैट द पॉपुलेशन नोज व्हाट टू डू। देन द नेक्स्ट डिजास्टर इज माइनिंग। ये जो राइट हैंड साइड में फिगर है उससे आपको पता चल जाएगा कि ये माइनिंग प्रोसेस क्या है। ज्यादातर माइनिंग कहाँ पर होता है, ये अर्थ में से जो नेचुरल माइन से निकलते हैं, जैसे कि बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, तो वहां पर ज्यादातर ये माइनिंग्स रहते हैं। माइनिंग कैटेगरीज, देर आर थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ माइन्स इन इंडिया। फर्स्ट इज अंडरग्राउंड माइनिंग, सेकंड इज ओपन कास्ट माइनिंग एंड थर्ड इज सरफेस माइनिंग। व्हाइल द फर्स्ट टू कैटेगरीज रिप्रेजेंट एक्सीडेंट्स अकरिंग इनसाइड द टू टाइप्स ऑफ माइन्स रिस्पेक्टिवली, द थर्ड कैटेगरी रिप्रेजेंट्स माइनिंग रिलेटेड एक्सीडेंट्स अकरिंग अबोव द सरफेस इन द विसिनिटी ऑफ आइदर टाइप ऑफ माइन। ये अंडरग्राउंड माइनिंग और ओपन कास्ट माइनिंग है उसमें जो एक्सीडेंट रहते हैं वो बिलो अर्थ रहते हैं, और ये सरफेस माइनिंग है उसमें जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो अबोव सरफेस होता है। द इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स इन माइनिंग, ये माइनिंग में जो एक्सीडेंट्स होते रहते हैं उसके इम्पोर्टेंट कॉजेज कौन से हैं। फर्स्ट इज रूफ और साइड फॉल, विच कवर्स एक्सीडेंटल फॉल ऑफ और साइड एट द टाइम ऑफ एक्सकेवेशन। देन हॉलेज, दैट इज द एक्सीडेंट इन द कोर्स ऑफ रेजिंग और लोअरिंग कोल बाय टब्स। डंपर्स, दैट इज द एक्सीडेंट्स इन डंपर व्हील्ड व्हीकल्स फॉर कैरिंग कोल विथ टिपर मैकेनिज्म। कन्वेयर एक्सीडेंट इन द यूजर ऑफ बेल्ट और चेन कन्वेयर्स। ट्रांसपोर्ट मशीनरी एक्सीडेंट्स दैट एसोसिएटेड विथ ट्रक्स एंड वैगन्स। देन एक्सप्लोजिव एक्सीडेंट इन द कोर्स ऑफ यूजिंग एक्सप्लोजिव। इलेक्ट्रिसिटी एक्सीडेंट्स रिजल्टिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डस्ट और गैस एक्सीडेंट्स ड्यू टू एक्सप्लोजन्स ऑफ नॉक्सियस गैसेस ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ कोल डस्ट। इनंडेशन एक्सीडेंट्स ड्यू टू सडन रशिंग इन ऑफ वाटर। ये जो इनंडेशन एक्सीडेंट्स है वो आपको कुछ हिंदी मूवी में भी देखने को मिलेगा। एक अमिताभ बच्चन की एक मूवी है, ये माइंस के ऊपर ही है, उसमें ये इनंडेशन वाला प्रॉब्लम भी दिखाया गया है कि जब हम अंडरग्राउंड माइनिंग करते हैं और उसमें माइनिंग करने में आगे कहीं भी पानी का बहुत बड़ा सोर्स है, तो जैसे ही हमने वो अंडरग्राउंड वॉल ब्रेक की तो वो पानी पूरा अंदर भर जाएगा, दैट इज कॉल्ड इनंडेशन। फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट और पर्सन एक्सीडेंट्स अकरिंग ड्यू टू सडन फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए पर्सन। And use of technology to reduce these accidents in the mining. Design of system of support of roof in the development workings in underground mines by scientific support systems based on rope mass rating studies. Increased use of roof bolting or roof stitching methods of support using steel roof bolts or steel wire ropes. Introduction of modern drills like mechanized drilling machine to avoid exposure of support personnel to unsupported roof. Reduced exposure of workers to mining hazards by mechanization of loading operations by increasing use of SDLs and LHDs in below ground mines, powered support long wall system of mining, continuous miner technology etc. are being progressively adopted in suitable areas. Introduction of surface miner and eco-friendly technology to reduce hazardous operation like drilling, blasting and crushing wherever applicable.
So this is about this unit number 2, part 1. Thank you. Happy learning.